उदयपुर के जावर में चांदी के खान किस शासक के काल में मिली थी? उदयपुर में जावर नामक स्थान के ऊपर जो चांदी की खान है वो किस शासन के काल में निकली थी? तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है महाराणा हमीर, बी ऑप्शन है महाराणा क्षेत्र सिंह है, सी ऑप्शन है महाराणा कुंभा और डी ऑप्शन है महाराणा लक्ष्य सिंह है। तो इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी महाराणा लक्ष्य सिंह है। इसे लाखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लाखा भी कहलाते हैं। तो महाराणा लक्ष्य सिंह और लाखा के शासनकाल के अंदर उदयपुर में जावर नामक स्थान के ऊपर क्या मिली थी, चांदी की खान मिली थी, और जो लक्ष्य सिंह हैं वो हमीर के पुत्र हैं, हमीर देव चौहान के क्या हैं, पुत्र यानी पोते हैं, ठीक है, और किसके पुत्र हैं, महाराणा छत्र सिंह के पुत्र है ये, महाराणा हमीर देव चौहान के पुत्र हैं लाखा, और किसके पुत्र हैं, छत्र सिंह के पुत्र हैं इनके शासनकाल के अंदर, और ये सन 1382 ईस्वी में गद्दी के ऊपर बैठे थे, इन्होंने सिंहासन के ऊपर बैठे थे सन 1382 ईस्वी के अंदर। तो हमीर देव चौहान के पुत्र हैं और महाराणा छत्र सिंह के पुत्र हैं, सन 1382 ईस्वी के अंदर क्या सिंहासन के ऊपर बैठे थे, और इनके शासनकाल के अंदर उदयपुर में जावर नामक स्थान के ऊपर क्या मिली थी, चांदी की खान मिली थी, और इनके शासनकाल के अंदर चित्रमल नामक चित्रमल नामक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था, किसमें, उदयपुर के अंदर इनके शासनकाल के अंदर चित्रमल नामक बंजारे के द्वारा क्या है, पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। तो पिछोला झील का निर्माण है वो भी लाखा के शासनकाल में ही हुआ था, और उदयपुर में जावर नामक स्थान पर चांदी की खान भी किसके शासनकाल में मिली थी, लक्ष्य सिंह और लाखा के शासनकाल में मिली थी।